तो यहाँ हम आपको दे रहे हैं चैप्टर 5 के फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और फिर उन पे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी बताएंगे, जिससे आप इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सको। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सांतत्य यानी कॉन्टिन्यूटी किसे कहते हैं। अगर किसी फंक्शन का जो ग्राफ है उसे बनाते समय हमें पेंसिल की नोक को उठाना ना पड़े, अर्थात सीधा ग्राफ बन जाए जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, तो उसे हम सतत फलन कहते हैं। और यदि ग्राफ बनाते समय हमें पेंसिल की नोक को उठाना पड़ जाए, अर्थात ग्राफ में ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम असतत फलन कहते हैं, जैसा कि दोनों चित्र से आपको स्पष्ट हो। यहीं पे देखिए, किसी बिंदु पर फलन की सांतत्यता कॉन्टिन्यूटी ऑफ फे फंक्शन एट ए पॉइंट। तो कोई फलन वाई इजिकल टू एफ एक्स एक्स पर सतत होता है अगर, देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है रेड वाली लाइन जो आपको दिख रही है, तो यहाँ पे ये रेड वाली लाइन पे क्या सतत एक्स इजिकल टू ए पर है। इससे अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएँ यानी एच कम हो जाएँ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए माइनस एच, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो ए है, और हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो वो हो जाएगी ए प्लस एच। ठीक है, तो फलन सतत तब होता है जब लिमिट एक्स टेंड टू ये एफ एक्स इजिकल टू किसके बराबर हो, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो। एफ ए का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, या ऐसे भी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो भी फंक्शन जो होता है सतत होता है और बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ए प्लस एच इजिकल टू लिमिट एक्स ए माइनस एच एच टेन टू जीरो और एफ ए। राइट हैंड लिमिट बराबर होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो उस फंक्शन को हम कहते हैं सतत या कॉन्टिन्यूस, इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस, हिंदी में सतत, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। तो एक्स इक्वल टू ए पर हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है, थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं एच एच यानी रेड लाइन से हम पीछे एच हटे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और एच आगे बढ़े तो राइट हैंड लिमिट। एच जो है बहुत ही छोटी संख्या है यानी अप्रोक्सीमेट टू जीरो। अब देखिए हम आगे देखते हैं, अवकलन या अवकल गुणांक ये परिभाषा है, आप इसको आसानी से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि छात्रों को पूरा आकलन आया था लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो ही नहीं आती है, तो डेफिनेशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, देखिए एक्स के लिए कोई फंक्शन एफ एक्स, क्या है एक्स के लिए कोई फंक्शन क्या हो एफ एक्स, और एक्स में छोटी सी चेंजिंग करने पर एक्स प्लस एच के लिए नया फंक्शन एफ एक्स प्लस एच हो, तब लिमिट एच टेन टू जीरो लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच को ही एक्स के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक कहते हैं। इसे हम किससे डी वाई अपॉन डी एक्स, या इसको देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई यानी शुद्ध रूप में इसको डी डी एक्स ऑफ वाई बोलते हैं, वैसे कुछ इसको डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, शुद्ध क्या होता है इसका डी डी एक्स ऑफ वाई, या एफ डैश एक्स या वाई वन या कैपिटल डी के नीचे एक्स लगा के भी प्रदर्शित करते हैं। इसे देखिए हम अगर यहाँ पर प्लस करते हैं तो उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है, अगर हम एक्स में प्लस एच करते हैं और एक्स में माइनस एच करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। डिफ्रेंसीबिलिटी, ये कोई भी फंक्शन डिफ्रेंसीबिलिटी यानी अवकलनीय तब होता है जब राइट हैंड डेरिवेटिव अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो वो जो फंक्शन है वो कहलाता है अवकलनीय। ठीक है, क्या कहलाता है वो फंक्शन अवकलनीय, कब, अगर वो फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको हम संकेत रूप में ऐसे भी लिख देते हैं आर एफ डैश ए इक्वल टू एल एफ डैश ए यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसके लिए अगर ये फंक्शन अवकलनीय है तो अवकलनीय के लिए क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है। अब देखिए कुछ ये नियम है, इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी पीजीटी या विकल्प वाले क्वेश्चन में काम आते हैं। पहले देखिए, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत नहीं है, ठीक है, कोई फलन क्या किसी संतत नहीं है तो उस फलन बिंदु पर अवकलनीय भी नहीं होगा, ये निश्चित, अगर कोई फलन संतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं होगा, और यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है तो जरूरी नहीं कि उस बिंदु पर अवकलनीय भी हो, लेकिन ये आवश्यक है यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत अवश्य होगा। ठीक है, सतत है तो जरूरी नहीं है अवकलनीय होगा, और सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा, लेकिन कोई फलन अगर अवकलनीय है तो निश्चित रूप से वो सतत जरूर होगा। दूसरा है सभी बहुपद, देखिए ये बहुत काम का पॉइंट है। दूसरा,
सभी बहुपद फलन अचर फलन और चरघातांकी के फलन वास्तविक संख्याओं के लिए अवकलनीय होते हैं। ये रोले की प्रमेय में यूज होता है। लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। कहाँ पर होते हैं? अपने प्रांत। तो यहाँ अपने प्रांत से मतलब ये होता है जैसे कि त्रिकोणमितीय फलन वास्तविक संख्याओं के लिए है, ठीक है, और इसी तरह लघुगणक फलन तो आर वास्तविक धनात्मक संख्याओं के लिए है, ठीक है। तो लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। चौथा, क्या अवकलनीय फलनों का जो योग होता है या अंतर होता है या गुणन होता है या भाजन होता है वो भी कैसा होता है? अवकलनीय होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये भी देखिए कुछ महत्वपूर्ण है, ये जानने बहुत जरूरी है। कोई भी फलन खुले अंतराल ए वी पर अवकलनीय होता है और यदि और केवल यदि ए कोमा वी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। खुले अंतराल पर अवकलनीय कब होगा? अगर वो ए बी के यानी खुले अंतराल के प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो? अवकलनीय हो। और बंद अंतराल पर अवकलनीय कब होगा? वो अवकलनीय के साथ साथ राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अस्तित्व में होनी चाहिए, यानी उसके अंदर राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकल जाए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकल जाए। अब इसके देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखनी है। कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? ऑलवेज जीरो। और कॉन्स्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ जाएं तो कॉन्स्टेंट बच जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशियल हो जाता है। फंक्शन के साथ अगर कॉन्स्टेंट जुड़ा हुआ है प्लस माइनस में है तो भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशियल है घात पहले आएगी और उससे एक कम हो जाती है, ठीक है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल ए की पावर एक्स और लोग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स और बेस में ई है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल ए की पावर एक्स इंटू लोग ई बेस है। अब बेस में ए है तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना, इसमें बेस में ई है और इसमें बेस में क्या है? ए है। ए होता तो वन अपॉन एक्स इंटू लोग ए बेस ई, ये और आ जाता है। रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन एक्स की पावर एन का माइनस एन, एक्स की पावर एन प्लस वन। देखिए इसको याद कर लो ठीक है, वैसे बिना याद करे भी काम चल जाता है। साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स। जो कोस स्टार्ट होते हैं उन सबके जो डिफरेंशियल होते हैं वो माइनस में होते हैं। तेरहवा क्वेश्चन है देखिए, टेन एक्स का डिफरेंशियल, सॉरी तेरहवा सूत्र है, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, कोट का देखिए माइनस को सेक स्क्वायर एक्स, हमने बताया को वाले सब माइनस में होते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक टेन एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोस एक्स कोट एक्स, और साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स में देखिए को आ गया तो माइनस लग गया, तो साइन इनवर्स कोस इनवर्स का एक जैसे ही बस चिन्ह का अंतर है, ठीक है। टेन वर्स एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स का डिफरेंशियल माइनस के वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेक और कोसेक में बस माइनस का अंतर है। और कोई फंक्शन इस तरह से इन्फाइनाइट तक है तो हम देखिए एक पद को छोड़कर बाकी सभी के स्थान पर जो लेफ्ट में दिया होता है वो रख देते हैं, यानी वाई रख देते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए एक पद को छोड़ा हमने, बाकी सबके स्थान पर क्या रख दिया? वाई रख दिया। तो ये क्वेश्चन में काफ़ी इसका यूज होता है। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको रूल्स पता होने चाहिए। अगर रूल्स पता है तो समझ लो आपका जो डेरिवेटिव है पक्का हो जाता है, और रूल्स ही भूल गया तो गया डेरिवेटिव। तो सम एंड डिफरेंस, अगर कोई दो फंक्शन का प्लस में दे रखे हों या माइनस में दे रखे हों तो उनका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल में आपको बता रखा। अगर वो प्रोडक्ट में है यानी कि मल्टीप्लाई में है तो पहला फंक्शन ऐसे रहता है, दूसरे का अवकलन होता है, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, दूसरा ऐसे रहता है और फिर फर्स्ट का अवकलन होता है। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, इनका मैंने इसी रूल से अवकलन करके दिखाया है। देखते हैं नेक्स्ट, और देखिए क्या रूल है दो नंबर तीन, क्या कोशेंट रूल। कोशेंट का मतलब अगर ये भाग में दे रखे हों दो फलन, जैसे ये दे रखे हैं साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना। तो इस फॉर्मूले को वैसे विशेष याद करने की जरूरत नहीं होती, जब हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो अपना ऑटोमेटिक याद हो जाता है। कर याद करने का तरीका क्या है? हर का स्क्वायर, यानी क्या करते हैं पहले हम हर का स्क्वायर, ठीक है, हर का स्क्वायर कर दिया, इस हर को ही उठा के यहाँ रख देते हैं, फिर अंश का अवकलन माइनस उल्टा कर देते हैं। देखिए हर का क्या करा हमने, स्क्वायर किया, रह क्या करा हमने, हर का स्क्वायर किया, और उसके बाद क्या करा मैं, तो हर का तो हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और इसी को हर को यहाँ पर लिख देते हैं हर को, और फिर अंश का अवकलन माइनस करके उल्टा कर देते हैं, ठीक है। क्या करना, हर का स्क्वायर, फिर हर ऐसे रहेगा, अंश का अवकलन माइनस करके उल्टा। ये क्वेश्चन भी हमने करके यहाँ पर दिखा दिया। अब देखिए चैन रूल, जो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होते हैं यानी कि
एक्स साइन एक्स के अंदर जो एंगल होता है उसके स्थान पे भी फंक्शन हो तो उनका हम चैन रूल से करते हैं, यानी एफ जी एक्स है जैसे, तो इस टाइप का अगर फंक्शन है तो हम उसको चैन रूल से करते हैं। चैन रूल में क्या होता है, पहले सबसे पहले फंक्शन का होता है, उसके बाद फिर दूसरे फंक्शन का होता है, ठीक है। जैसे ये फंक्शन देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसका डिफरेंस करेंगे तो पहले एफ का होगा फिर जी का होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है, इसका हमें चैन रूल से करना है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे तो साइन का हो जाएगा, वो दूसरे नंबर पर जो होगा वो ई की पावर एक्स का होगा, यानी कि पहले क्या हुआ साइन ई की पावर एक्स का और उसके बाद ई की पावर एक्स का, ये कहलाता है चैन रूल, ठीक। चलिए अब और देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे कहलाते हैं, जब एक्स और वाई मिक्सअप हो तो उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशियल है किसी भी रूल से, जो अभी हमने पीछे बताया, किसी भी रूल से यहाँ पर कर सकते हैं जिससे भी हो जाए, यानी जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो फर्स्ट सेकेंड से इसको हम आराम से कर देंगे, दोनों का करना पड़ेगा फर्स्ट सेकेंड से, इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा। अब दूसरा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जब एक्स की पावर एक्स हो तो उसका हम लॉग लेके करते हैं डिफरेंशियल, यानी कि इसको वाई बराबर मान लेते हैं, और वाई बराबर मानने के बाद दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, लॉग लेके हम इसका कर देते हैं, कब, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, ठीक। पैरामीट्रिक फंक्शन यानी कि एक्स वाई के साथ टी और आ जाए, तो पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए पहले हम इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, दूसरे वाले फंक्शन का भी टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, और दूसरे वाले को पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं, तो वो पैरामीट्रिक का डिफरेंशियल हो जाता है। तीसरा फंक्शन रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन का भी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशियल, दूसरे फंक्शन का भी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, और दूसरे वाले के डिफरेंशियल को फर्स्ट वाले से हम डिवाइड करते हैं, तो ये कहलाता है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसमें क्या होता है एक्स वाई के साथ एक टी और दे दिया जाता है। सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए कोई फंक्शन हमें दे रखा हो और उस फंक्शन का दो या तीन या चार बार या एन बार डिफरेंशियल करें तो वो सक्सेसिव डेरिवेटिव कहलाता है। एक बार को हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, एक दूसरी बार को लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एस टू, इस तरह तीसरी बार को डी थ्री वाई अपॉन डी एस थ्री, और एनवी बार को डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ठीक। कंपोजिट फंक्शन जैसे ही है, इसका चैन रूल से करते हैं जैसे कि अभी हमने पहले भी आपको बता दिया। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रोले का थ्योरम और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये क्या देखिए स्टेटमेंट हमें याद रहना चाहिए, स्टेटमेंट याद है तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, देखिए यदि एक वास्तविक मान फलन एफ एक्स बंद अंतराल का मतलब ये ब्रैकेट याला, ठीक है, में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बंद अंतराल में सतत हो, बंद अंतराल में क्या होना चाहिए, सतत, और खुले अंतराल में होना चाहिए अवकलनीय, और साथ में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो, यानी फंक्शन की जो अंत वैल्यू है ए और बी उन पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब खुले अंतराल ए वी में एक वास्तविक संख्या सी इस प्रकार अस्तित्व होती है कि एफ डैश सी इजिकल टू जीरो, यानी सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में निकल के आनी चाहिए, सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जो खुला अंतराल है उसके बीच की कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देखिए इसमें क्या अंतर है, पहली दूसरी कंडीशन तो बिल्कुल सेम है, बस तीसरी जो कंडीशन है एफ ए इजिकल टू एफ बी, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा एफ डैश सी, इसमें जीरो होता है, इसमें एफ डैश सी एफ बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और सी जो होगी वो दिया गया जो खुला अंतराल है उनके बीच में ही आएगी कोई वैल्यू, ठीक है, ये जरूर ये सी बिलोंग्स टू ए कोमा पी के ही बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल और लिमिट वाले चैप्टर के, यानी कि चैप्टर क्लास 12 का जो चैप्टर 5 है उसके हमने सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर दे दिए हैं। आपको अगर ये फॉर्मूले पसंद आए, अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि इससे वास्तव में आपको हेल्प हो रही है तो अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे शेयर करने से जो और स्टूडेंट हैं जो इनको सूत्र की ज़रूरत है हिंदी में उनको इससे हेल्प हो जाए। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर 6 के साथ, ये चैप्टर 5 तक फॉर्मूले हमने दे दिए, अब अगले चैप्टर 6 में आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कराएंगे।